कब तक, और कब तक आप लोग टाइम पास करोगे? आखिर कब तक आप अपने मन को तसल्ली देते रहोगे कि मैं स्टडी कल से करूँगा, मेरे से स्टडी नहीं होती, थोड़ा सो जाता हूँ, बाद में स्टडी करूँगा? और कब तक? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। क्यों क्यों आपका पढ़ाई मन नहीं करता? शायद आप लोग भूल गए कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है। अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है ना, तो एक बार अपने पेरेंट्स का चेहरा देख लो। मैं ये बात उनको कह रहा हूँ जिनके माँ बाप जॉब पे जाते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को पता होगा मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर माँ बाप पेरेंट्स दोनों जॉब पे जाते हैं। आप लोगों को पता होगा मिडिल क्लास फैमिली में हर 10 में से 4 लेडीज जॉब पे जाती है। हमारे पेरेंट्स, यहाँ तक कि हमारे मदर्स भी जॉब पे जाती है। सोचो वो क्यों जाती है? वो आपके लिए जाती है, आपको बनाने के लिए रोज़ ड्यूटी जाती है, घर चलाने के लिए कमाती है। हमारे पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, और हम सब पैसा वेस्ट कर देते हैं। मैंने देखा है कि जब सुबह होती है तो एक माँ कैसे घर का पूरा ख़त्म काम करके अपनी जॉब की ओर जाती है, कैसे जाती है रोड पे सड़कों की भीड़ में घंटों बस का इंतज़ार करती है, और धक्के खा के जॉब की ओर जाती है। और स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि माँ कैसे पैसा कमाती है, कितनी मेहनत करती है। ये सब बातें, ये हमारे घर की फैमिली कंडीशन और हमारे घर की हालत और हमारे घर के पैसों की तंगी, ये सब आपको पता होगा। सच बताऊं दोस्तों, हमारे घर की कंडीशन ही हमारी मोटिवेशनल लाइन है। कम से कम मिडिल क्लास स्टूडेंट को तो ये बातें समझना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, जब ये पढ़ने का मन ना करे ना, तो सोचो कि कितनी मेहनत करते हैं पेरेंट्स, कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सब आपको सोचना है। सुबह उठ के अगर पढ़ाई कर लोगे तो दोस्तों आपका कुछ बिगड़ जाएगा? माना अगर मैथ साइंस आपको टफ लगती है, तो आप लोग अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, किसी इंटेलिजेंट दोस्त से, किसी से तो पूछ सकते हो। और अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप अपने दोस्त से पूछ सकते हो। आई एम श्योर दोस्तों, वो आपको बता देगा। आप लोग बोल सकते हो कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे अकाउंट का ये चैप्टर नहीं आता, मुझे मैथ का नहीं आ रहा, मुझे हिस्ट्री नहीं आ रही, तो वो आपको बता देगा। आपको पूछना चाहिए, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आपको पूछने में शर्म नहीं करना चाहिए। आखिरी में दोस्तों, मैं आप सभी को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपने वो सपने देखे हैं, अगर आपने सपने देखे हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, या मैं अपने लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ, या मैं आफ्टर 12th रेगुलर कॉलेज पाना चाहता हूँ, तो दोस्तों आपके पास एक बेहतरीन मौका है, आपके पास एक गोल्डन चांस है। आप वो सब कर सकते हो, आप वो सब पा सकते हो, सिर्फ आपके पास हुनर होना चाहिए, आपको स्टडी की लगन होना चाहिए। आपके पास लगभग 3 महीने हैं दोस्तों, आपके एग्ज़ाम मार्च में है, और आपके पास लगभग 3 महीने हैं। अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं करी, तो समझना आपने कभी पढ़ाई नहीं करी। फिर से अपना देखना छोड़ दो कि मुझे रेगुलर कॉलेज चाहिए। फिर रिजल्ट के बाद ये मत कहना कि मेरा तो यार सिर्फ 55% है, मेरा तो 60% है, मुझे कहीं रेगुलर कॉलेज नहीं मिल रहा। फिर बाद में ये मत कहना कि शायद पढ़ लेता तो मुझे अच्छे मार्क्स आ जाते, शायद 80% आ जाते। मैं क्या देना चाहता हूँ दोस्तों आप सभी को, बाद में पछताने से अच्छा है कि आप लोग अभी पढ़ाई कर लो। आपके पास जो अभी 3 महीने हैं ना, ये बहुत मायने रखते हैं। ये आपकी ज़िंदगी को, लाइफ को तय कर देंगे कि आप क्या बनोगे, या आप कितने परसेंटेज मार्क्स लाओगे, या किस कॉलेज में आपको रेगुलर मिलेगा। सच बताऊं दोस्तों, ये जो आपकी लाइफ में ये जो टाइम है ना 3 महीने का, ये बहुत कीमती है। ये टाइम एक बार बीत गया ना, तो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। ये 3 महीने मायने रखते हैं, ये 3 महीने तय करेंगे कि आपको कितनी परसेंटेज आनी है। तो दोस्तों, समय बीतने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है, पछताने से अच्छा है कि अभी आप स्टडी कर लो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़।